हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 3 HCF एंड LCM को पढ़ेंगे। इसका हम प्रैक्टिस सेट 10 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसे हमें जानना जरूरी है, जैसे कि प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो फर्स्ट हम इनको समझ लेते हैं, उसके बाद अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। देखो, फर्स्ट है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन डैट कैन ओनली बी डिवाइडेड बाय इट सेल्फ एंड वन। प्राइम नंबर नेचुरल नंबर होते हैं और ग्रेटर देन वन होते हैं, और वो वन से और इट सेल्फ के नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। किसे? देखो, वन से डिवाइड हो सकते हैं और इट सेल्फ, मतलब वो खुद अपने ही नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, वैसे नंबर प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊँ, यहाँ पर देखो टू, टू क्या है? ग्रेटर देन वन है, ओके। और अगर टू का हम फैक्टर निकालेंगे तो टू का फैक्टर क्या होगा? वन एंड टू। देखो फैक्टर मीन्स क्या होता है, ऐसे नंबर जो उससे डिवाइड हो सके। तो टू से देखो, टू को हम किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? वन से डिवाइड कर सकते हैं और टू से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर। तो प्राइम नंबर क्या नंबर, कौन से नंबर होते हैं जो वन से डिवाइड हो और इट सेल्फ मतलब खुद के नंबर से डिवाइड हो, वैसे नंबर क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर। अभी यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में लिया, एग्जाम्पल के तौर पर टू लिया। टू किसे डिवाइड हो सकता है? वन से डिवाइड हो सकता है और खुद मतलब स्वयं खुद के नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो ऐसे नंबर क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर। अभी वन और टू को छोड़ के कोई नंबर टू को डिवाइड कर सकता है क्या? नहीं, ओके। फिर लू एक और एग्जांपल लू, तो देखो यहाँ पर फाइव। अभी फाइव किस से डिवाइड हो सकता है? वन से डिवाइड हो सकता है और इट सेल्फ डिवाइड हो सकता है, इट मीन्स फाइव अपने खुद के नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो ऐसे जितने भी नंबर्स हैं ना, मतलब जो वन से डिवाइड हो सके और इट सेल्फ डिवाइड हो सके, वो सभी नंबर क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर हो जाएंगे। यहाँ पे देखो प्राइम नंबर कौन कौन से, मैं आपको बताता हूँ। तो टू है, थ्री, फाइव, सेवन, इलेवन, थर्टीन, सेवनटीन, नाइनटीन, 23 एसेट्रा, ओके। तो ये सब नंबर क्या है? देखो, ये सब का अगर आप फैक्टर निकालोगे तो फैक्टर क्या आएगा? वन आएगा और इट सेल्फ नंबर आएगा। तो जिस नंबर का फैक्टर वन और इट सेल्फ मतलब वन और टू से डिवाइड हो सके, वो सभी नंबर क्या होंगे? प्राइम नंबर, ओके। और जो सेकेंड नंबर है वो देखो को प्राइम नंबर। तो यहाँ पर देखो को प्राइम नंबर का डेफिनेशन है, टू नंबर्स विच हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर आर सेड टू बी को प्राइम नंबर। तो डेफिनेशन में ही बता दिया है, क्या बोला है? ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो? वन। क्या है? ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर वन आए, वो नंबर हो जाएंगे को प्राइम नंबर। तो यहाँ पे एग्जांपल से आप समझोगे, एग्जांपल में लेता हूँ, थ्री एंड फोर दो नंबर लिए मैंने। अब इनका क्या निकालता हूँ मैं? फैक्टर तो आपको पता है, नंबर से हम डिवाइड कर सके, वो नंबर उसका क्या होता है? फैक्टर होता है। अभी देखो, थ्री का फैक्टर क्या हो जाएगा? वन और थ्री, ओके। फोर का क्या हो जाएगा? वन, टू एंड फोर, इन दोनों का क्या हो गया? फैक्टर। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर वन हो। कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है? इन दोनों में सेम नंबर हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, थ्री में भी क्या है? वन है, और फोर में भी क्या है? वन है। इन दोनों में कॉमन फैक्टर, इन दोनों का थ्री एंड फोर का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? वन, ओके। तो जिस दो नंबर का कॉमन फैक्टर वन आए, वो नंबर हो जाएंगे को प्राइम नंबर, ओके। एक और एग्जाम्पल लूँ मैं, तो यहाँ पर देखो 10 and 21 दो नंबर लिए, इनका मैं अभी क्या कर कॉमन, इनका मैं फैक्टर निकालता हूँ। वन है, टू, फाइव एंड टेन। और 21 का देखो, वन, थ्री, सेवन एंड 21। अभी इन दोनों नंबर में कॉमन नंबर कौन सा है? देखो कॉमन नंबर क्या है? वन है, इसमें भी वन है और इसमें भी वन है। तो ऐसे दो नंबर हो जिसका कॉमन फैक्टर ओनली वन हो, तो वो नंबर क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर। तो ओके, को प्राइम नंबर आपको क्लियर हो गया। थर्ड नंबर जो है देखो, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन का मतलब ही क्या होता है? दो। ट्विन का मतलब क्या होता है? दो। तो अभी हम डेफिनेशन देखते हैं क्या है। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर्स इज टू, इज कॉल्ड टू प्राइम नंबर। क्या? दो प्राइम नंबर का डिफरेंस अगर दो आए, तो वैसे नंबर जो होंगे वो होंगे ट्विन प्राइम नंबर। यहाँ पे मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे लूँ, देखो 3 and 5, ये दोनों क्या है? फर्स्ट तो ये प्राइम नंबर है, ओके। 3 and 5 क्या है? प्राइम नंबर। और ट्विन प्राइम नंबर क्या होंगे? जिसका डिफरेंस क्या है? दो।
ऐसे दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस क्या हो, दो हो। अब यहाँ पे देखो ये दोनों प्राइम नंबर है फर्स्ट, हो इनका डिफरेंस भी देखो दो है, 5 माइनस 3 करूंगा तो कितना आंसर आएगा, दो। तो इनका डिफरेंस कितना आया, दो। तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे, ट्विन प्राइम नंबर। एक और एग्जाम्पल लो, तो देखो यहाँ पर 11 एंड 13, 11 एंड 13, 13 माइनस 11 करूंगा कितना आएगा आंसर, दो। तो ये क्या हो गए, ट्विन प्राइम नंबर। एक और एग्जाम्पल लो, तो यहाँ पर देखो 17 एंड 19, फर्स्ट ये प्राइम नंबर है और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो डिफरेंस 19 माइनस 17 कितना डिफरेंस आ रहा है, दो। तो से प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस दो आए वो नंबर हो जाएंगे ट्विन प्राइम नंबर। तो फोर देखो है कंपोजिट नंबर, उसका डेफिनेशन, इट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट अ प्राइम एंड एट दैट हैज़ एटलीस्ट आर डिवाइजर अदर देन वन एंड इट्स सेल्फ। डेफिनेशन का देखो क्या है बोल रहा है, कंपोजिट नंबर जो होते हैं ना वो प्राइम नंबर नहीं होते, मतलब प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर है वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। और उसका जो फैक्टर है ना डिवाइजर, वन और इट्सेल्फ नंबर को छोड़ के उससे एक्स्ट्रा होना चाहिए। इट मीन सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जिस भी कोई भी नंबर का फैक्टर मोर देन टू हो, कोई भी नंबर का फैक्टर मोर देन टू हो वैसे नंबर हो जाएंगे कंपोजिट नंबर। यहाँ पे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे अभी मैं यहाँ पे लिया फोर, फोर फर्स्ट तो ये प्राइम नंबर है क्या, फोर नहीं, देखो फोर प्राइम नंबर नहीं है। अभी फोर का फैक्टर निकालते हैं, 1, 2 एंड 4। प्राइम नंबर के फैक्टर कितने होते हैं, देखो वन एंड इटसेल्फ नंबर होता है, बट कंपोजिट नंबर क्या बोला है, ये तो प्राइम नंबर नहीं होंगे और इसका जो फैक्टर होगा ना वो मोर देन टू होना चाहिए, तो वैसे नंबर क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे देखो फोर के कितने फैक्टर है, तीन फैक्टर, मोर देन क्या है, टू है, तो ये नंबर क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। एक और एग्जाम्पल से लूँ तो देखो यहाँ पे मैं 6 लेता हूँ, 6 का फैक्टर निकालो आप, 1, 2, 3 एंड 6, 6 का कितने फैक्टर आ गए, 1, 2, 3, 4, 4 फैक्टर है, ये कितने हैं, मोर देन 2 फैक्टर है। तो ऐसे नंबर क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। फर्स्ट तो वो क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए, मतलब प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर है वो है कंपोजिट नंबर और उनका जो फैक्टर है वो मोर देन 2 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो 4 का 3 फैक्टर है, 6 के 4 फैक्टर है, तो ऐसे सभी नंबर क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। तो आई होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन क्या है, ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर भी नहीं है और ना कंपोजिट नंबर है, क्या है, ना वो प्राइम नंबर है ना वो कंपोजिट नंबर है, तो ऐसा कौन सा नंबर है। देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, हम वन और इटसेल्फ के नंबर से डिवाइड कर सके, वो नंबर होते हैं प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वन फैक्टर मोर देन टू हो वो क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। तो अब यहाँ पे बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए, देखो इसका आंसर होगा वन। अभी देखो वन क्या है, ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, ओके, ये फर्स्ट का आंसर है। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ को प्राइम्स। अभी यहाँ पे देखो चार है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अभी इसमें से हमें बताना है कि ऐसे कौन से पेयर्स हैं जो क्या है, को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो, ओनली वन हो, तो वो नंबर क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर। हम इनको देखो सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा पेयर क्या है को प्राइम नंबर। तो फर्स्ट नंबर है 8 एंड 14, तो देखो हमें को प्राइम नंबर पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर ऑफ 8। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जो अभी 8 को डिवाइड, 8 जिस नंबर से भी डिवाइड हो सके वो सभी क्या हो जाएंगे, 8 के फैक्टर हो जाएंगे। अभी देखो 8 का फैक्टर क्या होगा, 1, 2, 4 एंड 8, ओके। वैसे अभी हम 14 का फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 14, तो 14 का फैक्टर क्या होगा, 1, 2, 7 एंड 14, ये हो गया फैक्टर। अभी को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि दो जो फैक्टर है उनमें क्या होना चाहिए, वन एज अ कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तो अभी इनका कॉमन फैक्टर हम निकालेंगे, कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 14। अभी 8 एंड 14 का कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में क्या वो नंबर सेम होने चाहिए। तो अभी देखो 8 में 1 है और 14 में भी 1 है, 8 में 2 है एंड 14 में भी 2 है, तो 18 एंड 14 का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 एंड 2। को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं जिसका कॉमन फैक्टर ओनली क्या हो, 1 हो, बट यहाँ पे कितने कॉमन फैक्टर है, दो कॉमन फैक्टर आ गए, इसलिए ये नंबर
वो प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर हम रीज़न लिख सकते हैं, देयरफोर 8 एंड 14 आर नॉट पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। ओके, एक तो देखो सेकेंड पेयर क्या है, 4 एंड 5, तो इनका हम फैक्टर निकाल लेते हैं फर्स्ट। फैक्टर ऑफ 4, 1, 2 एंड 4, पाई का फैक्टर रहेगा 1 एंड 5 इटसेल्फ। तो अब इनमें कॉमन फैक्टर देखो क्या आ गया, 1 एंड 1। तो को प्राइम का डेफिनेशन क्या है, जिस जिस पेयर में कॉमन फैक्टर 1 आए वो नंबर क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ गया है, 1 आ गया है। तो ये नंबर क्या हो गया, ये जो पेयर है ये क्या है, को प्राइम नंबर। यहाँ पर हम रीजन लिख सकते हैं, देयरफोर 4 एंड 5 आर पेयर ऑफ, आर अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1 आया, इसलिए क्या है, को प्राइम नंबर है। तो थर्ड पेयर है 17 एंड 19, तो इनका हम कॉमन फैक्टर, इनका फैक्टर निकालते हैं 17 का देखो 1 एंड 17, और 19 का देखो 1 एंड 19। अब इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, ओनली 1 है, तो 17 एंड 19 का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 1। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर कौन सा है, 1 कॉमन फैक्टर, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर। तो यहाँ पर रीजन लिखेंगे, देयरफोर 17 एंड 19 आर अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। ओके, सेवन जो पेयर है 27 एंड 15, अभी हम इनका फैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे फैक्टर ऑफ 27, देखो आप अभी 27 का फैक्टर होगा 1, 3, 9 एंड 27, वैसे 15 का फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 15, इसका हो जाएगा 1, 3, 5 एंड 15। अभी इनमें देखो दोनों में कॉमन कॉमन फैक्टर कितने हैं, यहाँ पे देखो 1, 1, 3 एंड 3, इसमें कितने कॉमन फैक्टर आ गए, 2 कॉमन फैक्टर आ गए, बट यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर आए, इसलिए क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर 1 एंड 3, यहाँ पे इसलिए 27 एंड 15 आर नॉट अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। देखो अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो देखो क्वेश्चन सेकंड का जो आंसर हमने निकाला, इसमें से कौन से दो पेयर जो है वो प्राइम नंबर है, 4 एंड 5, 17 एंड 19, ये दो पेयर जो है वो को प्राइम नंबर है। और अभी थर्ड क्वेश्चन देखो, लिस्ट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 25 to 100 एंड से हाउ मेनी दे आर। हमें क्या करना है, 25 to 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनको लिखना है और बताना है वो टोटल कितने हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लिखेंगे द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 25 to 100, 25 to 100 के बिटवीन के प्राइम नंबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 29, 31, 32, 33, 39, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। तो ये देखो ये 25 to 100 के बिटवीन के प्राइम नंबर हैं। ओके, अब ये कितने हम टोटल काउंट करेंगे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, टोटल कितने नंबर हैं, 16 नंबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देर आर टोटल 16 प्राइम नंबर्स बिटवीन 25 to 100। ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 51 to 100 में लिखना है, 51 बीच के प्राइम नंबर लिखो। तो देखो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे सॉल्यूशन में 50
59 and 61, ओके, एक एंड सेकेंड है 71 and 73। तो देखो 51 to 100 के बीच में सिर्फ दो ही ऐसे ट्विन प्राइम नंबर है, 59 and 61, एंड सेकेंड जो है 71 and 78। चाहे क्वेश्चन फिफ्थ देखो, राइट फाइव पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। जैसे हमने क्वेश्चन फोर में 51 to 100 के बीच के प्राइम ट्विन प्राइम नंबर निकाले, वैसे अभी हमें क्या करना है, 1 से 50 के बीच के ट्विन प्राइम नंबर लिखने। वो भी कितने लिखने हैं, 5 पेयर लिखने, ज़्यादा नहीं लिखने, तो ओनली 5 पेयर्स लिखने हैं। तो इसको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे 3 and 5, ओके, ये फर्स्ट पेयर हो गया। सेकेंड पेयर में लिखेंगे 5, 7, थर्ड पेयर में हम लिखेंगे 11 and 13, फोर्थ पेयर में लिखेंगे हम 17 and 19, और फिफ्थ पेयर में लिखेंगे हम 29 and 31 एक्सेट्रा। देखो क्वेश्चन फिफ्थ में हमें कितने पेयर्स लिखने थे, 5 पेयर्स लिखने थे, जो हमने लिख लिए देखो 1, 2, 3, 4 and 5। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन फिफ्थ है वो भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन सिक्स देखो, विच आर द इवन प्राइम नंबर। अभी हमें क्या जाना है, ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो है इवन नंबर। इवन नंबर आपको पता है ना क्या होते हैं, इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं, जैसे होते हैं जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब नंबर क्या हो जाएंगे, इवन नंबर। तो ऐसे हमें ऐसा प्राइम नंबर बताना है जो इवन नंबर भी हो और प्राइम नंबर भी हो। तो देखो अभी कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर हो सकता है, उसका आंसर है 2। 2 क्या है, इवन नंबर भी है एज वेल एज प्राइम नंबर भी है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन 6 जो है वो भी सॉल्व हो गया। तो इसी प्रकार हमारा जो प्रैक्टिस सेट 10 है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।